उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से अलग अलग जिलों में 41 लोगों की मौत हुई है। आज निकाली जाएगी जगन्नाथ यात्रा। कोरोना नियमों का पालन करते हुए निकाली जा रही है जगन्नाथ यात्रा। अहमदाबाद में बिना श्रद्धालुओं के निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। मंगला आरती में शामिल हुए अमित शाह। इटली ने जीता यूरो कप का खिताब। पेनल्टी शूट आउट में इंग्लैंड को हराया। दिल्ली में विकराल हुई पीवीसी गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां मौके पर मौजूद। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। तो पहली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर बस में चढ़कर महिला का पर्स चुराने वाली तीन शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई रकम भी पुलिस ने बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि बस में बैठते समय किसी ने उनका पर्स चोरी कर लिया है, जिसमें नगद और कुछ जरूरी कागजात भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। कैमरे में तीन महिलाएं संदिग्ध रूप में नजर आईं। कैमरे में दिखा कि तीनों महिलाएं पर्स चुरा रही हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों महिलाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि महिलाओं को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया है, जिनकी पहचान कविता, बबीता और सोमवती निवासी हरिद्वार के रूप में की गई है। कल बस में चढ़ते समय एक महिला अनसुईया शर्मा की पर्स चोरी हो गया था, जिसमें 3,500 रुपये नकद थे। और ये चोरी की सूचना यहाँ पे थाने पे आई, मुकदमा लिखा गया। उसके बाद में पुलिस टीम लगी थी। पुलिस टीम ने अपने अथक प्रयासों के बाद और तमाम सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरे की मदद से तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया, जो इनसे 100% चोरी का माल बरामद हुआ है। ये तीनों मांगने खाने के बहाने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों पे आती हैं। मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और इसी तरह के काम। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने उत्तराखंड की सबसे बड़ी डकैती का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 8 जुलाई को हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े एक ज्वेलर्स शोरूम में डकैती डालकर लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2,16,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी बदमाश शातिर अपराधी हैं और इनके खिलाफ पहले भी लूटपाट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। और पुलिस टीम की सफलता की सराहना करते हुए डकैती के सफल खुलासे पर डीजीपी उत्तराखंड द्वारा पुलिस टीम को 20,000 रुपए और डीआईजी रेंज के द्वारा 5,000 तो वहीं एसएसपी के द्वारा नगद इनाम की घोषणा की गई है। 2021 को जो शंकराश्रम का पास स्थित एक ज्वेलरी में जो है डकैती पड़ी थी, उसका जो है आज हमने खुलासा किया है। इसमें तीन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसका नाम है सचिन उर्फ गुड्डू, जिला सहारनपुर का रहने वाले हैं, और हिमांशु त्याही और एक टिंकू, ये जो है सहारनपुर का रहने वाले, लेकिन हाल जो है जिला पंचायत का गेस्ट हाउस रुड़की में केयर टेकर का रूप में काम करता है। और ये जो हंसराज सैनी जो है, इन्होंने जो है जो ये गैंग मेंबर्स है, जो 7 लोग हैं, जो सतीश चौधरी जो गैंग लीडर है, इनका गैंग को संरक्षण दिया है। ये लोग इनका पास पहले रुके घटना के पहले, फिर अलग अलग होकर शंकराश्रम के पास इकट्ठा होकर घटना का अंजाम दिया, फिर अलग अलग होकर शाम को जो है रुड़की गेस्ट हाउस में जो इकट्ठा होकर फिर दूसरा दिन सुबह यहाँ से रवाना होकर चले गए हैं। हमें मुखबिर का माध्यम से जो है हमें सूचना मिली कि इनके द्वारा जो हमने हुल या जो व्हाट्सअप वगैरह में सर्कुलेट हुआ था, इन टाइप का लोग रुड़की के गेस्ट हाउस में देखे गए। फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद जो है हमने आज जो हंसराज सैनी को जो पूछताछ करने पर जो है इन्होंने 2 लोगों का नाम बताया, एक गुड्डू और ये जो हिमांशु त्याही जो है आज हरिद्वार आने वाले, इनका कुछ पैसा और कुछ सामान। वही उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की पहुंची हैं, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें उनके साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। और इस मौके पर
राज्यपाल ने कहा कि वो कोर्ट इंस्टीट्यूट को शुभकामनाएं देती हैं कि उन्होंने इस कोरोना काल में ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो कि लोगों की मदद करेगा और उनके काम भी आएगा। साथ ही साथ इस बार कावड़ यात्रा उत्तराखंड में खोली जाएगी या नहीं, इस पर भी राज्यपाल ने कहा कि कावड़ यात्रा हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं और वो इसका समाधान जरूर निकालेंगे। आप सभी जानते हैं और मैंने अभी अपील भी की आपसे कि कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और मैं कोर इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत जैन साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे कोरोना काल के समय उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो कि लोगों की मदद करेगा, लोगों के काम आएगा। ईश्वर ना करे किसी को कोरोना हो जाए, अगर हो भी गया तो उसमें वो शायद निःशुल्क दवा देने की भी व्यवस्था उन्होंने मेरे से भी कहा है करेंगे। इसके साथ साथ जो नया आईटी का खोला है उसमें नए नए शोध हों, कोरोना क्यों हो रहा है, इसकी रोकथाम हम किन टेक्निक के आधार पर कर सकते हैं, देसी कौन कौन से ऐसे हमारे आधार हों जिनके कारण हम इस कोरोना से अपना बचाव कर सकें, इसके लिए इन्होंने ये खोला है। तो मैं समझती हूँ कि ये केवल रुड़की के नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। जो हमारा कॉलेज आज 22 वर्षों से है, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने का जो मन में उद्देश्य था उसके दो मुख्य कारण थे। एक, आज के बदलते परिवेश में जो आज टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हैं उसका ये डेफिनेट हो पाना कि ये टेक्नोलॉजी कितने दिन चल पाएगी और कितने दिन वो सार्थक होगी, ये बहुत मुश्किल है। बट जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनको उस टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए कोर्स को मॉड्यूलेट करना जिससे वो डे वन से एम्प्लॉयबल हो जाएं, वो हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए हमको यूनिवर्सिटी ऐसी चाहिए जो हम कोर्सेज को उसके अनुसार मॉड्यूलेट कर सकें। और जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में हैं उनके साथ में हमने संबंध किया, उनके साथ में आज हमारी 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ में हमारे कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स हैं, वो अमेरिका में भी हैं, फ्रांस में भी हैं और अफ्रीका में भी हैं। वो क्यों? क्योंकि अफ्रीका एक अल्टीमेट वो हो गया जहाँ से जिनको टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और अमेरिका जो सबसे ज़्यादा एडवांस है, उसमें भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को हमने चूज़ किया जो हमसे संबंध करके स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम वो हमारे साथ कर पाएंगे और हमारे प्रोग्राम्स को वो उसी तरह से मॉडर्नाइज करते रहेंगे जैसे डे टू। वहीं मंगलौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया है जिसे इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं मौका देखकर दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बदमाश देहरादून में कई बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और आरोपी के खिलाफ पहले से 4 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। हालांकि पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं ऋषिकेश के नामी ज्वेलर्स की पत्नी से इलाज के बहाने एक बाबा कई वर्षों से ठगी करता आ रहा था, लेकिन बेखबर ज्वेलर्स को जब करीब 1.5 साल बाद बाबा की करतूत का पता लगा तो कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर दी गई। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी बाबा के पास से चोरी की ज्वेलरी भी बरामद की है जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ऋषिकेश से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश के नामी ज्वेलर्स की पत्नी से इलाज के बहाने एक बाबा कई सालों से ठगी करता आ रहा है, लेकिन बेखबर ज्वेलर्स को जब करीब 1.5 साल बाद बाबा की करतूत का पता चला तो कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर दी गई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रदेश में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार इसे एक सप्ताह बढ़ा सकती है। वहीं सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोविड कर्फ्यू की एसओपी जारी की जाएगी। पर्यटक स्थलों पर भीड़ उमड़ने से सरकार जिलाधिकारियों को अपने अपने
जिलों के पर्यटक स्थलों पर सीमित संख्या करने के निर्णय लेने का अधिकार दे सकती है। सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल पर पूर्व की भांति रोक बरकरार रह सकती है। बात करें दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों और लोगों की, तो उनके लिए आरटीपीसीआर कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता पहले की तरह रह सकती है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों में जाने वाले लोगों के लिए कोविड जांच रिपोर्ट की शर्त यथावत रह सकती है। पर्यटक स्थलों पर बिना आरटीपीसीआर जांच के लिए किसी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही अल्मोड़ा के रानीधरा रिहायशी इलाके में विगत कई दिनों से इलाके के लोग तेंदुए के आतंक से दहशत में थे। आपको बता दें कि इस इलाके में तेंदुओं को पिछले कई महीनों में लोगों ने देखा था और इस क्षेत्र में जंगल विभाग की कॉलोनी भी है। तीन दिन पहले जंगलात विभाग के ही प्रांगण में तेंदुए ने एक गाय को अपना शिकार बना डाला था, जिसके बाद विभाग ने वहां पिंजरा लगा दिया था, जिससे कि इलाके के लोगों ने थोड़ा चैन की सांस ली। और लोगों का ये कहना है कि ये तेंदुए जोड़े में अपने दो बच्चों के साथ अक्सर दिख जाते थे। क्रम में जो है गाय तीन दिन पहले मार दी गई थी और दूसरा इसमें पिंजरे को लगाया गया था, जिसमें कि वो तीन दिन बाद कल रात 2 बजे पकड़ा गया कि यहाँ से ले गए बाघ। और उसने बाघ ने बहुत आतंक मचाया हुआ था अल्मोड़ा के अंदर रानीधारा, तो पकड़ा गया। बल्कि वो जोड़ा भी है, जोड़े में है, अगर वो हो सके तो दूसरा भी पकड़ा जा सके। तो अल्मोड़ा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कई दिनों से इलाके में लोग तेंदुए के आतंक से काफी ज्यादा दहशत में थे। आपको बता दें कि इस इलाके में तेंदुओं को पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है और क्षेत्र में जंगलात विभाग की कॉलोनी भी है, जिसके चलते तीन दिन पहले जंगलात विभाग के ही प्रांगण में तेंदुए ने एक गाय को अपना शिकार बना डाला था, जिसके बाद विभाग ने वहां पर पिंजरा भी लगाया, जिससे कि इलाके के लोगों को थोड़ा चैन भी मिला है। वहीं विकास नगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 48 करोड़ 90 लाख रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया है। इन योजनाओं से जीवनगढ़ क्षेत्र में पेरी अर्बल योजना का शुभारंभ किया गया है। इस पेयजल योजना से लाइन जीवन क्षेत्र के गोकुलवाला, पृथ्वीपुर, भोजावाला, मेहुवाला, अंबाड़ी और बादामवाला क्षेत्र के निवासियों की पेयजल समस्या खत्म होगी। इलाके में 7 पेयजल टैंक भी बनाए जाएंगे। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि पेयजल योजनाओं के बन जाने से क्षेत्र में आज से 30 साल तक जो भी आबादी बढ़ेगी उसे इस योजना का लाभ भी मिलेगा। पूरी पाइपलाइन को रिऑर्गेनाइज होना है और इसके अंदर आने वाले 30 वर्षों की पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए, आने वाले 30 वर्षों उस हिसाब से इस योजना को डिजाइन किया गया। और एक खास बात यह है, अभी आप देखेंगे कि पाइपलाइन है तो पानी आता नहीं है, आता है तो प्रेशर नहीं है, नीचे आता है तो ऊपर के मंजिल पे नहीं चढ़ता है, फिर वही सब टुल्लू पंप फलाना ढिमकाना उन सब कवायद चलती रहे। इसमें जो आखिरी घर है जिसे टर्मिनल प्रेशर बोलते हैं, टर्मिनल प्रेशर भी 12 मीटर का होगा। 12 मीटर का मतलब ये समझ ले चौथे पांचवें मंजिल पर पानी पहुंचना। तो मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं लालकुआ में बीते कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच हुई बारिश से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद बारिश शुरू भी हो गई। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है और इसके साथ ही बारिश से किसानों को भी काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है।
तीन हफ्ते के बाद में लालकुआ में बड़े मुश्किलों से आज बारिश हुई है। हम वापसी में जब आ रहे हैं तो खूब झमाझम बारिश हो रही है और बारिश का बहुत ही आनंद आ रहा है और इससे बहुत ही राहत मिलेगी बारिश से। एक तो फसलों को जो अभी धान वगैरह लग रहा है उनमें भी बहुत फ़ायदा होगा और लोगों को स्वास्थ्य में बारिश से ठंडक पहुंचेगी, शरीर में ठंडक पहुंचेगी, मौसम में एटमॉस्फेयर में ठंडक पहुंचेगी और बहुत ही आनंदमय मौसम हो रहा है इस समय। तो खबर लालकुआ से आपको बता रहे हैं जहां पर बारिश से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी जिसके चलते लोग काफी परेशान थे, लेकिन जिस तरह से मौसम ने अपना रुख बदला और बारिश हो गई उससे लोगों को काफी ज्यादा राहत भी मिली और साथ ही साथ इससे किसानों को भी काफी ज्यादा फायदा मिला है। बढ़ते अगली खबर की ओर, चंपावत जिले में बीते लंबे समय से हो रही भीषण गर्मी के बाद हो रही बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के द्वारा दी गई बारिश की चेतावनी फिर से सही साबित हुई है। सुबह से ही हो रही रुक रुक के बारिश ने लोगों को काफी ज्यादा राहत दी है। बारिश ना होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। लोगों को काफी दूर से पीने के लिए और पशुओं के लिए पानी लाना पड़ रहा था और इसके साथ ही किसानों की फसल भी सूख रही थी। जो सूखे साके हुए थे वो हरे भरे होंगे, हमें पीने के लिए पानी मिलेगा और गाय बच्चों के लिए पानी मिलेगा। हमें बहुत खुशी है कि आज बारिश हो गई है, हमारे सब कुछ के लिए हमें फायदा है। गाढ़ गधेरों में पानी नहीं था, वो हमें आज सब कुछ के लिए हमें सुविधा मिलेगा। गाढ़ गधेरों में पानी हो गया, गाय बच्चों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सुबह से बारिश हो गई। जो हमने खेती बाड़ी किया था वो हमें आज इस बारिश से हमें बहुत फायदा होगा। तो चंपावत में जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई इससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा बारिश की चेतावनी जो दी गई थी वो एक बार फिर से सही साबित हुई है। लगातार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। आपको बता दें कि बारिश ना होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए भी लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा था। लोगों को काफी दूर से पीने के लिए पानी लाना पड़ रहा था और साथ ही साथ अपने पशुओं के लिए भी पानी लाना पड़ रहा था। इसके साथ ही किसान भी इससे काफी ज्यादा मायूस थे और उनकी फसलें भी सूख रही थी। मौसम केंद्र देहरादून द्वारा 10 जुलाई को जारी पूर्वानुमान के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल में 12 जुलाई 2021 तक कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछार पड़ने एवं भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई थी, जिसके बाद बारिश भी शुरू हो गई। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली है तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो गढ़वाल से आपको ये खबर बता रहा है जहां पर गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि जिस तरह से बारिश हो रही है इससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। आपको बता दें कि पूर्वानुमान के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल में 12 जुलाई 2021 तक कहीं कहीं पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज बौछार पड़ने के साथ में भारी बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई थी, जिसके बाद से बारिश भी शुरू हो गई है। वहीं मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली है तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की समस्या से जल्द लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। जी हां, शासन ने अल्मोड़ा के हवलबाग, दौला देवी और लमगड़ा विकास खंड में विद्युत लाइनों की मरम्मत के निर्देश दे दिए हैं। सुधारीकरण योजना के तहत 4.5 करोड़ का बजट शासन की तरफ से स्वीकृत किया गया है। आने वाले समय में अल्मोड़ा के इन ब्लॉकों के करीब सैकड़ों गांवों को विद्युतीकरण की समस्या का समाधान मिलेगा। ऊर्जा निगम अधिशासी अभियंता ने बताया है
कि तीनों विकास खंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को देखते हुए करीब 53 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने और नए ट्रांसफार्मर लगाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में हुई बारिश के चलते रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राजमार्ग पर बादल फटने से भारी मलबा जमा हो गया है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन भी बाधित हो गया है। मलबा आने से कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि बादल फटने से नाला अपने साथ भारी मलबा लेकर आया है, जिससे सड़क किनारे सड़क निर्माण कंपनी के जमा पत्थर गिट्टी बहकर सड़क पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से आवागमन भी बंद हो गया है। वहीं रोशनाबाद में पर्वतीय बंधु समाज समिति के लोगों ने सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की है। पर्वतीय बंधु समाज समिति के लोगों का कहना है कि पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से बाहरी राज्यों के संपन्न लोग कई क्षेत्रों में कब्जा जमा चुके हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड की संस्कृति, जल जंगल, जमीन, रोटी बेटी और सांस्कृतिक धरोहरों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा भयावह भी हो सकती है। आप देख रहे हैं प्राइम टीम, विनोद सादरी आपके साथ। आज बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से, जहां पर उत्तराखंड भू कानून को लेकर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं। आज उनसे बात करते हैं। क्या कारण यहां पे धरना नहीं है? ये एक्चुअली हमारा पर्वतीय बंधु समाज समिति है, ये नवोदय नगर है, और इसमें हमने कुछ अपनी भू कानून से रिलेटेड मांगे रखी हैं। भू कानून से रिलेटेड मांगे इस तरीके से रखी हैं कि ये कानून जो है सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में औने पौने भाव पे जो कृषि 2018 में जो एक पास किया गया कि क्या कहते हैं, बाहर का आदमी आके यहाँ पे कृषि ज़मीन को अगर वो उद्योग में लगाना चाहता है और वो उद्योग के नाम पे ले रहा है, तो वह स्वतः ही उद्योग में श्रेणी में आ जाएगी। तो जब ये कानून आया तो इस कानून के अंदर जितने भी बाहर के लोग थे, उत्तराखंड से बाहर के लोग थे, उन्होंने औने पौने भाव में ये ज़मीन को खरीद लिया, और जो खरीद लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो उद्योग के लिए ली गई थी तो उद्योग वहाँ पे लगने चाहिए थे, ताकि वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता और पलायन रुकता, जो मकसद था। लेकिन मकसद वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उद्योग वहाँ पे लगे नहीं। और हम जो यहाँ पे खड़े हुए हैं वो कानून के विरोध में नहीं है, हम तो कानून के पक्ष में बात कर रहे हैं। और कानून स्वतः पहले से है यहाँ पे, लेकिन कानून जो स्वतः पहले से है उसको हम कह रहे हैं उसको और मजबूत किया जाए, और सशक्तिकरण उसके अंदर हो, इतना कठोर हो कि बाहर के लोगों का कम से कम दखल हमारे राज्य में, हमारे जो पहाड़ हैं वो सुरक्षित रहें, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। हुई भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह पर मलबा जमा हो गया है। हाईवे पर मलबा जमने की वजह से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पाता लंगना पागल नाला के पास मलबा आने से बंद हो गया था, जिसके बाद हाईवे अथॉरिटी की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबे को जेसीबी से हटवाकर आवागमन को फिर से बहाल करवाया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।